आप अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए जो 1 मिनट से अधिक का ना हो। मेरा नाम सर कुंदन पांडे है। मैं बिहार राज्य के नालंदा जिले का रहने वाला हूं सर। 2014 में सर LLB पास आउट किए हैं सर, TNB लॉ कॉलेज भागलपुर से। और सर पिछले 5 साल से सर व्यवहार न्यायालय बेगूसराय में असिस्टेंट के पोस्ट पर सर कार्यरत हैं। ये बहुत बढ़िया। LLM या और कोई डिग्री नहीं ली आपने लॉ? नहीं सर, LLM नहीं कर पाया सर। अगर कुछ आपके पास जी सर, अपने अपनी डिग्री भागलपुर से ली है, जी सर, भागलपुर कोई ऐसी फेमस चीज बताइए जो कि बिहार के न रहने के बावजूद भी पता हो। भागलपुर के सर जरदालू आम फेमस है सर। राष्ट्रपति अच्छा, महोदय को भी भेजा जाता है सर वहां से। कोई किसी क्रांतिकारी के नाम पर वहां कोई चौक भी बना हुआ है, कुछ बताएंगे आप? जी सर, वहाँ एक जस्ट लॉ कॉलेज के बगल में ही सर तिलका मांझी चौक है सर, जो कि एक क्रांतिकारी संथाल नेता रहे थे सर, तिलका मांझी, उन्हीं के नाम पर सर बनाया गया है। ठीक है कुंदन जी, आप ये हमको बता दीजिए कि एक्टस मी इन्विटो फैक्टस इस नॉन मेंस एक्टस, इस मैगजीन का क्या मतलब है? कोई भी कार्य मेरे द्वारा यदि नहीं किया गया तो वो मेरा नहीं होता है। कोई कार्य मेरे द्वारा नहीं किया गया है वो मेरा कार्य नहीं है, आपका कहने का मतलब ये। जी सर, और अगर मैं ये कहूं कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, तो इसका क्या मतलब आप बताएं? कोई भी कार्य अपराध नहीं होता है जब तक कि उसे आपराधिक आशय से न किया जाए सर। अच्छा, आपने सीआरपीसी का सेक्शन 300 तो पढ़ा ही होगा, जी सर, क्या है उसमें? 300 में बोला गया सर कि यदि किसी एक एक्यूज्ड को किसी ऑफेंस के लिए एक बार ट्रायल करके कन्विक्ट या एक्यूटल कर दिया जाएगा तो उसी अपराध के लिए उसी फैक्ट पर उसको दोबारा ट्रायल उसका नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तो क्या यही बात आर्टिकल 20 का क्लाउज नंबर 2 भी कहता है? सेम। नहीं सर, इसकी आधा बात बोलता है सर। 20 का 2 क्लॉज कहता है सर कि सिर्फ यदि कन्विक्शन कर दिया गया है तब दोबारा उसका ट्रायल नहीं हो सकता है, वो सर एक्यूटल पर नहीं ट्रायल, बात करता। जी सर, अगर एक बार कन्विक्शन कर दिया गया है तो दोबारा उसका ट्रायल नहीं होगा, यही बात 20 क्लास 2 में है? दोबारा, जी सर, एक बार उसका कन्विक्शन कर दिया गया है तो उसका दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता है। जी सर, अच्छा, आप हमें बताएंगे कि सेकुलर स्टेट का क्या मतलब होता है? सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है सर किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, वो प्रत्येक धर्म को समान रूप से मानते हैं सर। अच्छा, सेकुलर का मतलब होता है एक पंथ निरपेक्ष आप शब्द सुनते होंगे और जी एक सर, धर्म निरपेक्ष सुनते हैं, तो ये पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों सेम है कि अलग अलग? है तो सर अलग अलग, बट एग्जैक्टली इसका उत्तर देने में सर अभी सक्षम नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर 7 साल तक के कारावास का दंड दे सकते हैं और किसी भी विधि सम्मत जुर्माना लगा सकते हैं सर। अगर CJM कोई निर्णय देता है तो ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील किस कोर्ट में होती हो? कोर्ट ऑफ सेशन में होती है सर। हाई कोर्ट में इसकी अपील नहीं होती? CJM द्वारा दिए गए पनिशमेंट की अपील हाई कोर्ट में नहीं होती? हाई कोर्ट में हो सकती है सर, बट डायरेक्ट नहीं हो सकता सर, पहले कोर्ट ऑफ सेशन में होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के बाद यदि अपील करना होता है सर तो हाई कोर्ट में होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक हम लोग बहुत सुनते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ये क्या है आप बताएंगे हमें?
जुडिशियल न्यायिक एक्टिविज्म प्रक्रिया सर। का, जी न्यायिक सर। स्थिति का चल रहा है आजकल? ऐसे सर एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, बट सर न्यायिक सक्रियता होता है सर कि जब जुडिशियरी अपने द्वारा सौंपे गए कार्य के अतिरिक्त कोई और अन्य कार्य करती है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं सर। ठीक है, अच्छा सही आंसर दे रहा है। तो न्यायिक सक्रियता का जो प्रचलन दिनों दिन बढ़ रहा, आपको नहीं लगता कि ये अच्छा नहीं है? वो क्योंकि जिसका जो काम है वही करे तो ज्यादा ठीक है। कार्यपालिका के काम में, विधायिका के काम में न्यायिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं कि ठीक है जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए? होना चाहिए सर, बट अब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए सर, कुछ मामलों तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जब स्टेट सर आर्बिट्ररी 14 में बोला भी गया है सर, आर्टिकल 14 में बोला भी गया है कि यदि स्टेट कोई आर्बिट्ररी एक्ट करती है सर तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है, तो सर कुछ मामले तक सीमित रहना चाहिए सर, अब्सोल्यूटली न्यायिक सक्रियता सर नहीं होनी चाहिए। आप हमको ये बताइए कि जो नई जो लॉ बनने वाली है आईपीसी सीआरपीसी बेंच, जो प्रपोज्ड है, जी सीआरपीसी का नाम क्या है? सर, सीआरपीसी का भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है सर, नागरिक सॉरी सुरक्षा सर, अधिनियम। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सर। अब डिफॉल्ट बेल क्या होती है? सॉरी सर, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई पर्सन पुलिस से कन्फेशन करता है तो वो वैलिड हो सकता है कि नहीं? वो सर वैलिड नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने अपने परिवार के, मतलब मान लीजिए मेरा दोस्त है, बहुत प्रिय दोस्त है हमारा, और चूंकि विवाद हो गया तो वहां पे हमने कोई हथियार उठाया और उसको मार दिया गुस्से में। फिर इसके बाद मुझे बहुत पछतावा, तो मैंने पुलिस के लिए एक लेटर लिखा, कि पुलिस के नाम से लिखा कि मैंने ही मारा है, और ये बात बॉडी पे रख के मैं चला गया कि पुलिस आएगी तो अपना उसे मिल जाए। क्या ये मेरा कन्फेशन मान्य होगा कि नहीं? ये सर कन्फेशन मान होगा सर, क्योंकि जिस टाइम में कन्फेशन किया गया था उस समय में पुलिस उपस्थित नहीं थी सर, इसलिए कन्फेशन मान होगा सर। आप सेक्शन 8 के अंतर्गत एविडेंस एक्ट में कंडक्ट रिलेवेंट होता जी सर, है, कंडक्ट रिलेवेंट होता है, तो ये किसका कंडक्ट रिलेवेंट होता है? विक्टिम का कंडक्ट है, एक्यूज्ड का है, एजेंट का है, किसका है? जी सर, आपराधिक मामलों में सर अभियुक्त और विक्टिम दोनों का रेलेवेंट होता है सर, और सिविल मामले में वादी, प्रतिवादी एवं लीगल रिप्रेजेंटेटिव का सर। आप बताएंगे कि कार्ड क्या, कृत्य किसे कहते हैं? सॉरी सर, आप कृत्य किसे कहते हैं? लॉ ऑफ टार्ट पढ़ते हैं ना, तो टार्ट क्या है? जी सर, टॉर्ट सर एक ऐसा कृत्य होता है सर जो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति किया जाता है, और जिसमें सर अनलिक्विडेटेड डैमेज सर क्लेम किया जा सकता है सर, एक सिविल रॉन्ग है सर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, बताइए कौन से सब्जेक्ट से पूछिए? वैसे तो सर सारे सब्जेक्ट सर पढ़ने में अच्छा लगता है, बट सर आईपीसी आईपीसी में बताइए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी है, बॉडी के अगेंस्ट भी है, अपनी प्रॉपर्टी और किसी अन्य की प्रॉपर्टी, अपनी बॉडी और किसी अन्य की बॉडी, दोनों के अगेंस्ट। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वो कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है? थेफ्ट है सर, वो चार चार ऑफेंस है सर, एक थेफ्ट है और रॉबरी है और
सॉरी सर, चार दो याद नहीं आ पा रहा है सर। अच्छा ये बात बताई कहाँ मुझे, कौन कौन से अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस हैं जिसमें राइट ऑफ प्रिविलेजेस होगा? ये सर 97, सेक्शन 97 में बताया गया है, 97 सर। चलिए बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट कुंदन पांडे जी।